हाय एवरीवन गाइस क्या हाल है आई एम बैक सॉरी मैं काफ़ी सालों से गायब था यूट्यूब पे थोड़ी लाइफ बनाने में अपनी सेट करने में बिजी था बट आई डिसाइडेड आई विल बी बैक ऑन यूट्यूब आई विल बी बैक ऑन इंस्टाग्राम थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि क्या चल रहा था पिछले कुछ सालों में सो so, जैसे आप सभी को पता है कि मैं कनाडा मूव हो गया था पोस्टेड ए वीडियो अर्ली 2018 थाउजेंड एटीन और उसमें मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था सो so, मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा मूव हो गया आई वेंट थ्रू द फुल प्रोसेस स्कूलिंग की उसके बाद जॉब की परमानेंट रेजिडेंसी ली उसके बाद आई केप्ट ऑन वर्किंग आई हैव डेबल्ड थोड़ा मैंने ट्रकिंग में भी हाथ ट्राई किया सो so, थोड़ा लाइफ सेट करने में बिजी था इसलिए यूट्यूब से थोड़ा दूर हो गया बट आई फील लाइक आई वॉन्ट टू शेयर कि मैं बताऊँ मैंने क्या किया है इतनी देर में हो सकता है कुछ लोग इंस्पायर हों आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए और मुझे भी लोग रीच आउट करें आई शुड बी एबल टू हेल्प अगर मैं किसी तरीके से आप लोगों की मदद कर सकता हूँ सो so, ये सोच के मैं यूट्यूब पर वापस आना चाहता था और रही बात वर्किंग आउट की येस आई हैव स्ट्रक विद द जिम मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा कोविड के टाइम में थोड़ा रूटीन टूटी थी बट उसके अलावा आई हैव बीन रेगुलरली गोइंग टू द जिम हाँ मुश्किल होता है एज यू एज आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं आपके पास टाइम की कमी होती है बट स्टिल इट्स ऑल इन हियर अगर आपका दिमाग करना चाहता है उसको तो आप कर लेंगे बाकी आपकी लगन आपका मन कितना उस चीज़ को करने में हाउ डेडिकेटेड यू आर हाउ डिसिप्लिन यू आर ऑल दीज थिंग्स कम इन टू प्ले सो इन सभी की खिचड़ी पक के एक बढ़िया लाइफ चलती है मैं थैंक यू करना चाहूँगा उन लोगों को जो मेरे साथ इतने सालों से जुड़े रहे जो अभी भी मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइबड हैं थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर ट्रस्ट और जो लोग नए मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ वेलकम टू माई चैनल अब थोड़ा टाइम हो गया तो मेरा चैनल आई एम थिंकिंग आई शुड डू लाइक अ मिक्स ऑफ वीडियोज़ तो थोड़ी मैं फिटनेस के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा थोड़ी मैं अपनी डेली लाइफ के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा प्रोफेशन के रिलेटेड बनाऊंगा जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट कि अगर कोई यहाँ पे माइग्रेट करना चाहता है कनाडा में तो वो क्या एक्सपेक्ट करें वो क्या स्किल्स लेकर आए और अपने आप को फिट कैसे रखें बढ़िया डाइट कैसे खाएं अच्छे पैसे कैसे कमाएं खुश कैसे तो so, सबसे पहले मैं अपने करियर के बारे में आपको बताना चाहूंगा तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी इंडिया से और मैं नेवी में एज अ नेवल एविएटर ज्वाइन करने वाला था बट इट टर्नस आउट मेरी सीटेड लेग लेंथ ढाई सेंटीमीटर ज्यादा सो मैं जेट में से इजेक्ट नहीं कर सकता सो ट्वेंटी सिक्सटीन की बात है काफी देर तक ये मेडिकल चलता रहा मैंने रिक्वेस्ट भी डाली थी कि आप मेरे को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का पायलट बना दो बट नेवी है तो अपनी मर्जी नहीं चलती उन्होंने मेरे को एज अ नेवल एविएटर सेलेक्ट किया था तो उसी कैटेगरी में मुझे वो रख सकते थे या तो नहीं रख सकते थे सो so, मुझे एंड में नेवल अकेडमी अलीमाला से ऑफर लेटर आई थी बट दे वॉन्टेड मी टू ज्वाइन एज एन ए आई सी जो कि होता है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन कैडरे सो मैं टेक ऑफिसर की तरह होता वेपन सिस्टम का ध्यान रखता स्टिल सेम पे होनी थी सेम रिस्पेक्ट होनी थी बट मेरा पर्सनली मन पायलट बनने का था इसलिए आई हैव टू मेक द हार्ड डिसीजन बहुत मुश्किल था बट uh, मेरे को वो ऑफर डिक्लाइन करना पड़ा था सो एज़ यू कैन इमेजन इंडिया में क्लास से गजस्टेड ऑफिसर की जॉब को छोड़ना इट इज़ अ वेरी टफ कॉल बहुत मुश्किल डिसीजन था एंड मेरे पेरेंट्स भी खुश नहीं थे बट स्टिल उन्होंने मुझे सपोर्ट किया दे रिस्पेक्टेड वॉट आई वॉन्टेड टू डू क्योंकि मैं पर्सनली जानता था कि अगर मैं पायलट नहीं बनता तो मैंने बहुत दुखी होना था स्पेशली अगर मेरे सामने से जेट्स टेक ऑफ करते सो आई हैड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड 2016 2017 में एक काफ़ी अच्छी लहर चली थी अ लॉट ऑफ पीपल आई न्यू वर माइग्रेटिंग टू कैनेडा कैनेडा बहुत प्रॉमिसिंग कंट्री था उस टाइम पे हम अभी की बात बाद में करेंगे तो so, मेरे डिग्री के काफ़ी दोस्त यहाँ माइग्रेट I... कर गए थे इट वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू कम हेयर एट दैट टाइम और अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो ठीक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करने यहाँ इंटरनेट से आते हो तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट था सो so, काफ़ी डिस्कशंस के बाद मैंने मन बनाया कि आई विल क्विट माई जॉब दैट आई वॉज डूइंग इन इंडिया और फिर मैंने कैनेडा की तरफ आने की तैयारी शुरू कर दी थी सो so, आप सभी को पता है आई एम प्रटी श्योर आप सभी अवेयर हो गए क्या प्रोसेस है वेस्ट कराना पड़ता अपनी डिग्री डिग्री वैल्यूएट कराओ देन आइल्स का एग्जाम दो इंटरव्यू ऑल दैट स्टफ करते करते तो मैं दिसंबर 2017 में कनाडा लैंड कर गया था सो so, मेरा कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड था इट वाज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा यहाँ पे नॉर्थ यॉर्क में यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है लैमडन कॉलेज का सो so, वहाँ से मेरा टू ईयर्स का डिप्लोमा था और वो करते करते सभी को पता कि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले साथ के साथ मेहनत करते हैं दबा के सो so मैंने भी वो किया मैं दिन में काम करता था शाम को कॉलेज लगाता था आई डिड नॉट हैव अ कार मेरे को ज़्यादा लोग नहीं जानते रहे सिवाय मेरे डिग्री के फ्रेंड्स के बट धीरे धीरे सर्कल बढ़ा बट वन थिंग आई स्टक टू वॉच माई जिम तो मैंने जिम ज्वाइन किया सबसे पहली चीज़ मैंने आते यहीं पे यही की थी मैं ब्रैमटन में रहना शुरू हुआ था एंड मेरा दोस्त हरदीप ग्रेटफुल टू हैम कभी उसका एहसान नहीं भूलूंगा मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था उसने मेरे को अपने क्रेडिट कार्ड पे मेरी फर्स जिम फर्स्ट जिम मेंबरशिप दिलाई सो so, मैं सुबह पाँच साढ़े पाँच उठता था छः बजे मेरे को लड़के पिक कर लेते थे हम सात बजे काम शुरू करते थे सात से साढ़े तीन तक काम चलता था फिर वापस हम ब्रैम्पटन आते थे आधे घंटे की ड्राइव कॉलेज की बस में एक डेढ़ घंटा लगा के कॉलेज जाना फिर क्लास लगानी शाम को रात को वहाँ से निकलना मैं नाइन नाइन थर्टी तक ब्रैमटन वापस पहुँचता था और फिर दस पंद्रह मिनट की वॉक पे जिम पहुँचता था तो मेरे पास एक मेरा ट्रस्टी बैग होता था जिसमें सारा सामान होता था आल गो वर्कआउट फिर वहाँ से निकल के बस कैच करके ग्यारह साढ़े ग्यारह तक घर पहुँचना फटाफट खाना बनाओ नहाओ कोशिश होती थी कि ट्वेल्व ओ क्लाक तक सो जाऊँ पाँच साढ़े पाँच घंटे दिन में मैं सोता था बट तपस्या आती है स्ट्रगल होती है मैंने अकेले ने नहीं की जितने बच्चे कनाडा में अपना कुछ करियर बनाने आते हैं एवरी बडी दिस सो हैट्स ऑफ टू एवरी वन बट समय ही ऐसा होता है यू हैव नो अदर ऑप्शन तो ये रूटीन चली ऑलमोस्ट दो साल बीच में ड्रॉप आता था बट आई कैप्ट ऑन वर्किंग कैप्ट ऑन वर्किंग तो मेरे को ऑब्वियसली मेरी जॉब का मेरी एजुकेशन का यहाँ बेनिफिट मिला तो मैंने जो भी यहाँ पे काम किया दैट वाज ऑल रिलेटेड टू मशीन्स क्योंकि मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएशन थी सो so, पढ़ाई खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है परमानेंट रेजिडेंसी लेने का मैंने उसके लिए अपना जो करियर है उस साइड को मोल्ड किया बिकॉज उस मेरे टाइम पे नॉक कैटेगरीज होती थी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको जॉब डिस्क्रिप्शन होती थी कि इफ़ यू है वर्किंग इन दैट सेगमेंट तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वर्क कर सकते हो सो so, उसका दस महीने का एक्सपीरियंस लेके पी आर फाइल की मैंने साथ की साथ ट्रक का लाइसेंस भी ले लिया आप सभी को पता होगा यहाँ पे जो भी आता है खास करके पंजाब से हर एक बंदा ट्रकिंग से वाकिफ होता है किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होता है तो आई ऑल्सो ट्राइड दैट बहुत अच्छे पैसे बनते थे मुझे लगा कि शायद प्रोमिसिंग करियर होगा आई ट्राइड माई हैंड इन दैट टू नॉट फॉर मी ऑफ टू द पीपल हु डू इट फॉर अ लिविंग बट नॉट फॉर मी मैंने थोड़ी देर ट्राई करके छोड़ दिया था बट आई केप्ट बैक गोइंग बैक टू कैप्टोइंगई प्रोफेशन वहाँ से वर्क करता रहा फिर उस जॉब से जहाँ से मैंने पी आर ली वहाँ से मैं एज अ प्रोजेक्ट स्लैश शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्डिनेटर बनकर निकला मेरी सेकेंड जॉब ओकवे में एक हैवी गेयरबॉक्स इंडस्ट्री कंपनी में लगी थी वो भी एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रोल था जहाँ से मैंने ट्रांजेक्शन करके प्रोजेक्ट मैनेजर पोजिशन हासिल की वहाँ दो साल लगाए साथ ही साथ मुझे इतना रियलाइज़ हो गया था जो मेरे दोस्त अच्छे कर रहे थे यहाँ पे हु आर डूइंग वेल इन द प्रोफेशन उन्होंने मुझे समझाया था कि यू नीड टू कीप ऑन एजुकेटिंग योर सेल्फ कैनाडा हो या इंडिया मैं इंडिया का तो आपको नहीं बता सकता बट यहाँ पे अगर आपको प्रोग्रेशन चाहिए लाइफ में तो अपने आप को एजुकेट करते रहो बेटर करते रहो स्किल्स डेवलप करते रहो सो so, मैंने भी वही किया तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड एक सर्टिफिकेशन होती है जिसे पीएमपी कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल तो मैंने सोचा कि मैं उसको परस्यू करूँ आई डिड माई लेबर मैंने उसको हार्ड वर्क किया एंड बाई गॉड्स क्रेस आई क्लेड इन फर्स्ट ट्राई उसके बाद मैंने फिर जॉब स्विच की राइट right नाउ अब मैं पैरी टोरंटो से सौ किलोमीटर दूर है वहाँ मूव कर गया आई बी लिविंग ईयर फॉर ऑलमोस्ट वन ईयर वर्किंग ईयर फॉर ऑलमोस्ट वन ईयर एज अ कैपिटल प्रोजेक्ट्स मैनेजर मैं कंपनी के फाइनेंसिस को मशीनरी में या इक्विपमेंट में कैसे इन्वेस्ट करना है बेस्ट तरीके से आई हैंडल दैट सो मेरी मकैनिकल इंजीनियरिंग प्लस मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दोनों का संगम होता है इसमें बोथ कम इन टू प्लेट टूगैदर एंड दैट इज़ वॉट आई डू और मेरी रूटीन सेट है मंडे टू फ्राइडे मेरा वर्क होता है एट एट थर्टी टू फोर थर्टी फाइव पी एम उसके बाद नेक्स्ट थिंग आई डू इज आई गो स्ट्रेट टू द जिम एक डेढ़ घंटा वर्कआउट करके नहा के घर आके अपनी पढ़ाई करो खाना बनाओ वॉट एवर ऐसे so, पिछले छः साढ़े छः सात साल निकल गए हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी से इंट्रोड्यूस करूँगा आई जस्ट वांटेड टू गिव यू हेड्स अप आई गॉट मैरिड दिस ईयर मेरी जिंदगी काफ़ी चेंज हो चुकी है मैं यहाँ पे एज अ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट आया था और अब मैं वेल सेटल्ड परमानेंट रेजिडेंट हूँ जिसकी भगवान की दया से अच्छी जॉब है पेरेंट्स खुश हैं मैं खुश हूँ बट लाइफ गोज़ ऑन सो so, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू वुड लाइक मी टू मेक आप लोग क्या चाहते हैं कनाडा के रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी चाहिए फिटनेस के रिलेटेड चाहिए आई एम स्टिल एजुकेटिंग माई फिटनेस मैं पढ़ता रहता हूँ वर्कआउट्स को ट्विक करता रहता हूँ सो एनीथिंग यू गाइज वुड लाइक टू सी और डिस्कस और वॉन्ट टू नो हिट मी अप इन द कॉमेंट्स और जो लोग मैं दोबारा से थैंक यू करना चाहूंगा शुरू से मेरे साथ हैं थैंक यू वेरी मच और जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं गो डाउन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन थैंक यू सो मच गाइस सी यू सोन